सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। मेरा नाम रामपाल सिंह चिकासी, पूर्व प्रधान, और मैं बुंदेलखंड महासचिव भारतीय किसान यूनियन। आज आप लोगों ने तहसील परिसर में धरना दिया है, तो किन मांगों को लेकर धरना दिया है आपने, क्या उद्देश्य है धरने का? ये है धरने का उद्देश्य, क्योंकि ये जो आज धरना हो रहा है तहसील स्तर में 27/6/2019 को, ये हमारा पूरे राष्ट्र में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। जो हरिद्वार की मीटिंग हुई थी 16, 17, 18 जून को, वहाँ पर हमारे राष्ट्रीय आह्वान ने आदेश दिया कि पूरे प्रदेश में तहसील स्तर पर 27 तारीख को एक धरना होगा, जिसमें बढ़ी हुई बिजली की दरें वापस हो और स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू की जाए और बुंदेलखंड के छोटे बड़े किसानों का कर्जा माफ़ किया जाए, क्योंकि बुंदेलखंड में कई सालों से देवी आपदाएं आ रही हैं, जिससे यहां पर किसान आत्महत्या कर रहा है। जब तक किसानों का कर्जा माफ़ नहीं होगा, ये आत्महत्याएँ बंद नहीं होंगी। और जो अन्ना प्रथा है, अन्ना प्रथा पर पूर्ण रूप से रोक लगना चाहिए, क्योंकि हमारे किसान जो फसलें बोते हैं वो अन्ना जानवर उनको चट लेते हैं, ये 24 घंटे में उनको झक कर देते हैं। तो हमारी ये मुख्य मांग है कि बिजली की जो समर्थ जो हमारी बिजली की बढ़ी हुई दरें हैं, ये वापस होना चाहिए, अन्ना प्रथा पर पूर्ण रूप से रोक लगना चाहिए और बुंदेलखंड के किसानों को का कर्जा माफ़ होना चाहिए। क्या हुआ, आप आज आप जिलाधिकारी को ज्ञापन देने वाले हैं संबंध में? हाँ, इस संबंध में जो हमारी सभी तहसीलों में जो धरना चल रहा है, राठ तहसील, सरीला तहसील, मोदा तहसील और हमें सभी तहसील जो तहसील अध्यक्ष हैं उन्हीं के उसमें पैट में जे सभी को ज्ञापन दिया जाएगा। और जो कि मुख्य चीज़ है किसानों की, जो बिजली मुक्त सस्ती बिजली सस्ता पानी मांग रही है आज किसानी, इसलिए हमारी है आज नोटिस दिए जा रहे हैं। जबकि 2015 और 16 में जो सूखा पड़ा था उसका 36,000 किसानों को मिलना चाहिए, जो नहीं मिला, और उसी में दूसरी वर्ष जब रबी में पड़ा तो 27,000 मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिला। और बीमा में 33% क्षति हुई है, क्योंकि सूखा घोषित हुआ, 33% क्षति हुई, लेकिन 1.5% भी नहीं बांटा गया, जिसका RTI से रिकॉर्ड है, जिसमें 1,638 रुपये लूटे गए। अगर किसानों को ये सब पैसा दे दिया जाए तो जो नोटिस दिए जा रहे हैं वो सारा का पैसा चुक जाएगा, ये जबरदस्ती है। और मैंने RTI महोदय से मांगी तो उन्होंने कहा इतना पैसा आया वो नहीं बांटा गया। तो उस समय से अगर जैसा ब्याज लिया जा रहा है बैंकों से, अगर बैंक ब्याज दे दिया जाए किसानों को जो नहीं मिला है पैसा, तो मतलब किसान ऋणी ही नहीं रहे। दूसरा, हमें समर्थन मूल्य नहीं मिलता। आज 6,000 की बात करते हैं, अगर 2 क्विंटल उड़द का समर्थन मूल्य नहीं मिलता तो जाकर के 7,000 हो जाता है, ये साल में 6,000 दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो समर्थन मूल्य को कानूनी बाध्यता पैदा की जाए, ताकि कोई भी इससे अगर सस्ते में खरीदता है तो अपराध हो, तब किसान संपन्न होगा, तब ये जा करके जो ऋणों की बात करते हैं, चूँकि ऋण इनकी नीतियों के कारण, यहाँ का किसान अगर ऋणी है तो इनकी नीतियों के कारण किसानों को जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, बीमा में नहीं मिल रहा, सूखा में नहीं मिल रहा, और आपका समर्थन मूल्य में भी नहीं मिल रहा, तो किसान संपन्न कैसे होगा? अकेली खरीफ की फसल में, एक फसल में 16,000 का नुकसान होता है, रबी की फसल में 12,000 का नुकसान होता है, तो एक वर्ष में किसान का 28,000 प्रति हेक्टेयर नुकसान होता है। तो जब एक साल में 28,000 प्रति हेक्टेयर का नुकसान होगा तो बताइए किसान कैसे संपन्न होगा, क्या आत्महत्या नहीं करेगा? तो इन सब मांगों को अगर ध्यान दिया जाए तो, चूंकि किसान मेहनत कश है, ये हरामखोर नहीं है, और तो बाकी मतलब मेहनत करने वाले लोग नहीं है जो कमाते, ये मेहनत कश लोग हैं, इनको तो सरकार ने बेईमान बनाया है। बिजली के लिए ये है कि बिजली से तो हमको ये कह रहे हैं सस्ता हम खेती करेंगे, और इसमें किसानों से निजी ट्यूबवेल पर जो बिल लिया जा रहा है वो बहुत बड़ा अन्याय है। इसलिए अन्याय है कि जब सरकारी ट्यूबवेल फ्री कर दिए, नहर की प्रणाली फ्री कर दिए, तो वो तो हमने खुद लगवाए, क्योंकि सरकार ने हमारे खेतों तक पानी नहीं पहुंचा, और सिंचाई की लागत आदि 26,000 प्रति हेक्टेयर, वो है 1,002 के आंकड़े, 1,001 और 2 के आंकड़े, आज अगर देखें तो कम से कम 50,000 प्रति हेक्टेयर आएगी। अगर हमें और ये
निजी ट्यूब वेल का रखवाए 4 हेक्टेयर, अगर दे दिया जाए तो 2 लाख रुपए दे दिए, अन्यथा उसमें अगर दे दिया जाए तो 1.5 लाख हो जाता है। ठीक है, 10 लाख की आर्थिक तुम्हारी तहसील में आती है और 10 लाख का नोट जब किसान के पास पहुंचता है क्या दुर्दशा होती है, तो हार्ट अटैक हो जाता है। आधार पर दोगुना पैसा से चार गुना का नोट 10 लाख 4 लाख कुछ मतलब ये तो नहीं होने, मतलब इससे क्या करेगा, मरेगा, कई आत्महत्या कर चुकी किसान इसी वजह से। जैसे बैंकिंग लोकपाल है मतलब ये हमारा कहना है, क्योंकि प्रशासन आप है सम्मानित यहाँ की किसान तहसील परिसर में आए हुए पंचायत में पधारे हुए सम्मानित सभी किसान बंधुओं जो आपके ज्ञापन के माध्यम से, तो ये संबंधित जो अधिकारी हैं जो जिनको कार्रवाई करनी है वहाँ पहुँच जाएगा। इसके अलावा भी जो तहसील स्तरीय जो समस्याएं हैं जैसे लाइन मैन वाली है, लेखपाल वाली है, या कुछ किसान सम्मान में कोई किसी को दिक्कत हो तो आके हम लोगों से मिल लीजिए, हम लोगों को अवगत कराइए। इसके लिए बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन है उसकी आवश्यकता नहीं, दरवाजे खुले हुए तहसील हम लोग 9 बजे से बैठ जाते हैं। सही है, आप लोग आइए और जबकि 9 से 11 कोई नहीं आता, हम लोग यहाँ बैठे एक दिन के लिए। सर लेखपालों को तो आदेश करवा ही सकते हैं, वो ऐसी कोई समस्या नहीं, मान लीजिए दिन में तो जाते ही है, रात को नहीं, दिन में तो जाते ही, रात में नहीं चाहिए। जायज बात है कि गांव में लेखपालों के जाने का रोस्टर एक बन जाए, बिल्कुल सही बात है, और प्रयास करूंगा कि ये हो जाए। और एसडीएम साहब से भी कह देंगे कि ब्लॉक वीडियो साहब से कह के सचिव लेखपाल के ग्राम स्तरीय जो भी हैं ये बिल्कुल सही बात है। अरे हमारे गांव का सचिव हो तो 4 साल से गाँव में चलाओ, हमारे किसानों की समस्या थी गाँव में जो आदेश हुआ था न्यू सब कमिश्नर थे उस समय, और बैंक में जो जबरदस्ती जड़बाजी जो वसूली, ये वसूली साहब किसानों पे बुंदेलखंड के किसानों से ज्यादा रहे इन बैंकों द्वारा, दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। We'll be right back.